अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार चिकन कढ़ाई। उसके लिए सबसे पहले हम लोग प्याज को चॉप कर लेंगे और फिर गोल्डन ब्राउन होने के लिए रख देंगे। फिर मैं अलग से एक प्लेट में टोमेटोज़ कट कर लूँगी और ग्रीन चिलीज़ लूँगी, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट लूँगी। टोमेटोज़ और ग्रीन चिलीज़ को मैं चॉप कर लूँगी, चॉप करने के बाद उसको भी मैं सेपरेट रख लूँगी। प्याज इधर गोल्डन ब्राउन हो रहा है, जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर उसमें मैं ये चीज़ें ऐड कर दूँगी। ये मैंने चॉपर में चॉप किया था सारा कुछ। चॉपर के साथ तो आपकी लाइफ बड़ी ही आसान हो जाती है। अच्छा, ये मेरा बीच में बीपी लो भी होने लग गया था, मैंने फिर जामेश्वरी में ग्लूकोज डाल के भी पिया क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें, अब मेरा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया था, मैंने इसमें वो जो चॉप किया हुआ था ग्रीन चिली से, टोमेटो से, अदरक लहसुन का पेस्ट था, वो सारा कुछ ऐड कर दिया है। अब ये मैं इसको अच्छे से भूनूंगी जितना खा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ड्राई मसाले, जिसमें नमक है, कलवंजी, अजवाइन, काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर, सूखा धनिया, जीरा पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा तंदूरी मसाला। इसमें मैं रेड चिली नहीं ऐड करूंगी। ये सारी कढ़ाई मैंने ग्रीन चिलीज और ब्लैक पेपर में ही बना। ये सारे ड्राई मसाले अब मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छा, सालन में जितनी भुनाई होती ना सालन का उतना ही अच्छा टेस्ट निकलता है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि सारा मसाला चिकन के साथ लग जाए। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, अब ये देखे साथ में पक रहा है, चूल्हा भी मैंने तेज़ी किया है ताकि अच्छे से ना ये अपना भून जाए, तो फिर मैं उसके बाद इसमें पानी लगाऊंगी। मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ इसीलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड भी नहीं करूँगी क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ देता है। मैं इसीलिए सिर्फ हाफ कप ही पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद थोड़ी देर इसको मैं तेज़ आंच पे ही पकाऊंगी, तो फिर ताकि अच्छे से ये हो जाए, मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं ना फिर जो फ्लेम है ना वो मीडियम, लो टू मीडियम कर दूंगी। उसके बाद मैं इसको ना दम पे रख दूंगी ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स के लिए। ये देखें, ये पक रहा है अभी। अब ये 15-20 मिनट्स बाद मैंने दोबारा चेक किया तो सारा चिकन गल चुका था। मुझे थोड़ा सा पानी लगा था इसलिए मैंने ना ढक्कन उतार के उसका तो तेज़ आंच करके तो दोबारा से उसको पकने दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी योगर्ट। योगर्ट ऐड करने के बाद मैं अभी चूल्हा तेज़ ही रखूँगी, अभी आपने स्लो नहीं करना। अच्छे से जब वो मिक्स हो जाएगा सारा, फिर आपने स्लो कर कर इसको फिर और 10-15 मिनट्स के लिए पकाना है। ये देखिए जी, हमारी फाइनल लुक। मैंने इसको ग्रीन चिली से गार्निश किया था, मेरे पास कोरिएंडर नहीं था, आप इसको कोरिएंडर से भी गार्निश कर सकते हैं। चले जी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।